राज्य सरकार द्वारा बिजली के दामों में 13% की बढ़ोतरी की गई। राज्य सरकार एवं कंपनियों के नियोजन के अभाव में राज्य की जनता को भुगतान करना होगा, इसके लिए राज्य सरकार जिम्मेदार है। बढ़े हुए दाम जनता से ना वसूल करें, बजट से भुगतान करें, साथ ही 13% बढ़े दामों को कम करें, ऐसी मांग विधायक चंद्रशेखर बावनकुले द्वारा की गई है। महाराष्ट्र की सरकार ने कल आज 13% से ज्यादा रेट बिजली के बढ़ाए हैं। कॉमर्शियल जो ग्राहक है उनका 15% के ऊपर बढ़ाए गए, इंडस्ट्रियल ग्राहकों के 25% के ऊपर बढ़ाए गए और RCI के रेसिडेंशियल कनेक्शन के 15% बढ़े हुए हैं। एवरेज 13% रेट बढ़े हुए हैं। देवेंद्र फडणवीस सरकार ने 25,000 MW के ऊपर बिजली ट्रांसमिट की, कभी बिजली के रेट नहीं बढ़े, कभी भी कोयला कम नहीं गया। 22 दिन से लेकर 35 दिन का कोयला हमारे समय में था। ये सरकार को WCL और सारी कोल कंपनियों ने यह कहा कि आप अपना कोयला उठा लीजिए। जनवरी से 50 लीटर इनको दिए, इनके पास पैसा नहीं था कोल उठाने के लिए, इसलिए इनका स्टॉक नहीं हो पाया। बिजली के रेट महंगी बिजली इनको लेना पड़ रही है और इस वजह से दिसंबर जनवरी फरवरी का जो रेट बढ़ा है वो अभी अप्रैल मई जून में वसूल करने वाले हैं और मार्च अप्रैल मई का आप आगे वसूल करने वाले हैं। ये जो 13% की जो महंगाई आई है बिजली के ऊपर, राज्य सरकार को विनती है, राज्य सरकार को निवेदन है कि राज्य सरकार ने जनता के जेब से नहीं वसूल करना चाहिए। ये जो बिजली के रेट बढ़े हैं ये केवल सरकार की गलतियों से बढ़े हैं, कंपनियों के तीनों कंपनी के मैनेजमेंट की गलती से बढ़े हुए हैं। तो जनता के जेब से ना ले, बजट से पैसा दे और ये 13% पैसा कम करे, ये डिमांड मेरी है। और कोल कंपनी ने बार बार लेटर देने के बावजूद भी 35 दिन का कोल इन्होंने जमा नहीं किया, इस वजह से ये मारामारी हो रही है। प्राइवेट से बिजली लेना पड़ रहा है, अगर प्राइवेट से महंगी बिजली लेते हैं सरकार ने उसका भुगतान करना चाहिए।